नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीजीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्रामीण चुनाव 2023 की महिला की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ने घर घर मतदाताओं तक पहुंचकर उन्हें पार्टी की रीति नीति को समझाकर अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में मत हो सके। कार्यक्रम में मां सरस्वती की पूजा के पश्चात जिलाध्यक्ष वंदना पुरोहित ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें बता दें कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत हो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यास्मिन शैरानी, प्रतिभाताई, पूर्व सांसद प्रभाबेन रतलाम, ग्रामीण सांसद प्रभारी कुसुम चौहान, शिला उहिरे समेत आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि इन सभी ने अपने उद्बोधन दिया, और जिसमें कांग्रेस एक मत के साथ चुनाव लड़ने की बात भी कही। वहीं इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। आभार रुखसाना खान ने माना। ये रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, उनकी सारी टीमें बन चुकी हैं, और एज अ लोकसभा ऑब्जर्वर और क्या क्या करना चाहिए महिलाओं को वो हमने उनको बता दिया है। डोर टू डोर कैंपेन है, और अपना घोषणा पत्र है वो घर घर तक पहुंचाना है, अपना बूथ कमेटी अपने को स्ट्रेंथन करना है, ये सब महिलाओं को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लेकिन यहाँ की ग्रामीण महिलाएं खुद ही अपने आप काफ़ी सक्षम है और वो अच्छे से काम पर लगी हुई है, और मुझे विश्वास है कि ये सीट हमारी कांग्रेस जीतेगी। जारा और अपने रतलाम पांचों विधानसभा में से कुछ जगह आपके जो प्रत्याशी की सूची आ गई है, मतलब विरोध भी हुआ है, तो कैसे आप संभाल पाओगे? ये जो भी सूची आई है या थोड़े बहुत जो बदलाव हुए हैं वो हमारे नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के किया है, क्योंकि कांग्रेस जिताना ये अपना मेन मकसद है, ना कि किसी को खुश करना, ना ही किसी का वजन उसमें काम आएगा। बट जो भी है सोच समझ के की गई हुई है, और जो भी बदल है सोच समझ के की हुई है, और मुझे सब लोगों से निवेदन है कि आप कोई नाराज़ नहीं हुई है, और आप सब लोग सिर्फ कांग्रेस को जिताइए, कांग्रेस अपने सामने रख के आप ऐसा काम करिए, नाराज़ मत रहिए। कार्यकर्ताओं के घर घर जाके भी आप कुछ समझाइश देंगे? जी जी, जो नाराज़ कार्यकर्ता है उनके उनसे हम पर्सनली जाके मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी टाइम नहीं है, ये चुनाव जितना बहुत ज़रूरी है, नहीं जीते तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत तकलीफ़ में आ जाएगी, बहुत बेरोज़गारी बढ़ेगी, और देश एकदम बर्बाद देखिए कगार पे ऑलरेडी खड़ा है और गड्ढे में जाएगा। तो ये हम उनको समझाएंगे और उनकी नाराज़गी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपको कौन सा दायित्व मिला हुआ है? जी, मैं अभी जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ मध्य प्रदेश की। 3 जोनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए हो, उसमें से एक मैं हूँ, और मेरे पास 9 लोकसभा का प्रभार दिया गया हुआ है।